राखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए जाने अब मंजिल ये ले जाएंगी कहा जी हाँ जब घर से एक लड़का चला था भंडारा से तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि किताब बेचने वाला एक लड़का आज किताब बनाएगा भी कभी नहीं सोचा था कि लाइफ मुझे यहां तक लेके आएगी और बच्चों का प्यार मुझे वो बना देगा जो शायद मैंने और मेरे परिवार ने कभी सोचा भी ना हो जी हाँ मैं मेरी बात कर रहा हूं विजय सारडा सर एक डिटर्मिनेशन था कि हां कुछ तो करूंगा एक डिटर्मिनेशन था अपने दम पे करूंगा और पता है तुम्हें जब अपने दम पे करने की कोई चीज आती है ना तो एक ही चीज होती है कि आप कुछ गलतियां करते हैं कुछ मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक से यू लर्न और ये लर्निंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो शायद जिंदगी में हमें, हमें हमेशा आगे बढ़ाता है नहीं आप सोच के देखिए मां के पेट में पहली बार हमने समझा कि टेस्ट क्या होता है फिर जिंदगी में आगे बढ़े गिरे उठे तब पता चला कि हाँ हम गिर के चलते हैं चल के चलना सीखते हैं दौड़ना सीखते हैं वी लर्न कई बार जिंदगी में कुछ अच्छे मिस्टेक करते हैं कुछ बुरे मिस्टेक करते हैं लेकिन जिंदगी में जिंदगी में कई बार किसी पे भरोसा करके जब वो भरोसा टूटता है और किसी अनचाहे व्यक्ति का हमारे ऊपर कोई एक छोटा सा एहसान भी कई बड़ी चीजें कर देता है वी लर्न और हां कि जिंदगी एक रोज नई चीज सिखाते जाती है जब ये रोज नई चीज सीखते हो तो आप बहुत अलग सा महसूस करते हो बात करता हूं आज के एक इंपॉर्टेंट चीज की आप और मैं या मेरे जैसे आप शायद कुछ सालों पहले हम सबके अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है कि लाइफ हमें कहीं लेके जाए कुछ नया करें कुछ अलग करें और इस अलग करने की जर्नी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लाइफ इसी का तो नाम है कि जब रोज नई चीज सीखने को ना मिले तो वो मंजिली किस काम की राइट के, uh, you know, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी घर से निकलते तो सही भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं बस इसी लाइन को समझते हुए आज मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूं बातें दिल से दिल तक आपके पहुंचनी चाहिए आपके रिजल्ट भी आने वाले हैं और हां इस रिजल्ट से लेके ही मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं देखिए रिजल्ट पास और फेल जो भी होता है लेकिन हमें एक चीज डिटर्मिनेशन में रखनी होती है कि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कुछ करने का राइट आज मैं आपको बताता हूं यह जर्नी या मेरी टीचिंग जर्नी जिसे मैं कहता हूं यह शुरुआत हुई थी एक किताब से किताब बेचने से किताब बेचने के बाद जब मैंने यह देखा कि नहीं मेरे अंदर एक टैलेंट है मुझे पढ़ना चाहिए घर वाले कितने भी अपोज में हों और चाहे कितनी भी तकलीफ आए मैं लड़ूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा इस जिद से मैं मेरे घर से निकला जब मैं मेरे घर से निकला तो यू you नो know, इस जर्नी के अंदर में आया सीए की जर्नी के अंदर में आया सीए की जर्नी को कंप्लीट किया कंप्लीट करने के बाद जॉब जॉब की और करते हुए समझ में में आ गया कि शायद मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं जो एक जगह बैठ करके लाइफ को खत्म कर दे या मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं क्योंकि मुझे शायद आउट परफॉर्मिंग कुछ ज्यादा पसंद थी मुझे लगता था कि यार लाइफ मुझे कहीं और लेके जा सकती है तो इस मकसद से और घर की कुछ मजबूरियों के साथ मैंने टीचिंग चुनी टीचिंग नागपुर में पहला मौका मिला नागपुर में जब पहली बार पढ़ाना शुरू किया तो ये चांस एकदम सडन सा था मैं गया रूपम सर थे रूपम सर के पास गया मैंने कहा मुझे पढ़ाना है और उन्होंने कहा कि ये बैच है अंदर चले जा और पढ़ ले पढ़ा ले जब मैं अंदर चले गया कोई विदाउट प्रिपरेशन मैं जा करके बस एक चीज अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और कॉन्फिडेंस रख करके उस क्लास को लिया क्लास थी मर्केंटाइल लॉ की और उस क्लास को लिया एक चीज मैंने सीखी कि आपको जीवन में क्या पहुंचाना होता है एक कॉन्फिडेंस पहुंचाना होता है आपको भी कई चीजें सीखनी होती है यह बैच चालू हुई थी दो बच्चों से ईमानदारी से कहता हूं यह बैच चालू हुई थी दो बच्चों से पर उन दो बच्चों का फीडबैक काफी अच्छा आया फिर उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली टैक्स की हां और टैक्स के साथ साथ यू नो जीएसटी की भी जिम्मेदारी डाली थी मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं तब जाकर के टीचिंग करियर शुरू हुआ सीए सीए बना सिया बनने के बाद आई करने की इच्छा थी तो दिल्ली चला गया अब दिल्ली में अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है आजीविका चलाने के लिए कुछ तो करना था दिल्ली का लक्ष्मी नगर कौन नहीं जानता हां मेरी भी शुरुआत वहीं हुई थी दिल्ली में पढ़ाने से फिर दिल्ली में पढ़ाने के बाद जब आईएस के सपने को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया तो मुझे लगा कि यार मैंने आ जाना चाहिए मैं पूना आ गया मेरे दोस्तों के साथ और यहां आकर के पढ़ाना शुरू किया जब पढ़ाना शुरू किया पहले इधर उधर पढ़ाया और बाद में एक ऐसी जर्नी है जिसको आपको मेरे लेक्चर में समझ में आ जाएगा अल्टीमेट सपना यह था कि मुझे जाकर के विशाल सर के साथ पढ़ाना है विशाल सर आप सभी जानते हैं तो करीब पुणे आने के दो साल बाद मैं विशाल सर से मिला इस दौरान मैं यहां पे कई क्लासेस के अंदर में रहा जैसे वी स्क्वायर अग्रवाल क्लासेस और उसके बाद वी स्मार्ट की मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं वी स्मार्ट में पहुंचा विशाल सर के साथ बात करी तब मेरा एक सपना था कि विशाल सर के साथ पढ़ाना है वो सपने के पास में पहुंच गया विशाल सर के पास पहुंचा विशाल सर ने एक मौका दिया बोला विजय लेट स्टार्ट जब वी स्मार्ट में पहली बार आया आई विविडली रिमेंबर पहली बैच सात बच्चे जहां ऑलरेडी एक और टीचर भी पढ़ा रहे थे सात बच्चे दूसरे में अट्ठाईस तीसरे में एटी फोर चौथे में 288 और फिर इसके बाद जो मैंने सबसे बड़ी ड्रीम बैच पढ़ाई वो पढ़ाई 500 प्लस की और ईमानदारी से बताता हूं उसके बाद कभी भी पलट के देखने का मौका ना बच्चों ने दिया ना ही मुझे भगवान ने दिया इस जर्नी को शुरुआत करने के लिए या मैं आपसे कहूं कि आज इस जर्नी पर अगर मैं खड़ा हूं तो इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट वी स्मार्ट को जाता है विशाल सर को जाता है और विशाल सर के अलावा एक व्यक्ति जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा पर मेरे लिए उन्होंने बहुत गाइडिंग वाला रोल प्ले किया है उज्जवल सर जी हाँ उज्जवल भट्टर सर आज अगर आप मुझे वर्चुअली जानते हैं तो उसके लिए एक व्यक्ति बहुत जोर से जिम्मेदार है और वो है उज्जवल सर जो हमेशा पीछे और आगे भी मेरा सपोर्ट करते रहे हैं उज्जवल सर सो उज्जवल भट्टर सर के लिए भी एक आ, मैं अपलॉज देना चाहूंगा जो हमेशा मुझे गाइड करते रहे हैं जब वी स्मार्ट की इस जर्नी को चालू हुई तो वी स्मार्ट की जर्नी में मुझे एक वो फरिश्ता कह लीजिए आप वो फरिश्ता मिला जो दोस्त के शक्ल में मिला ये दोस्त था दर्शन खरे भाई साहब आपको बस इतना कह दूं कि आपने वो मूवी देखी है आ, वो अनिल कपूर साहब की और नाना पाटेकर साहब की कौन सी पिक्चर है वो वेलकम नहीं नहीं हेरा फेरी नहीं नहीं वेलकम हाँ वेलकम तो वेलकम मूवी में जैसे कुछ नाना पाटेकर और अनिल कपूर का रिश्ता होता न, का है ना अक्की दुनिया का कांड करते बैठे उजय मजनू बस ऐसा कुछ समझ लीजिए इनफैक्ट आज मेरे मोबाइल में उनका नाम भी पार्टनर इन क्राइम के नाम से ही है सो so, दर्शन करें सर ईमानदारी से आपको बताऊं मुझे हर छोटी बड़ी चीज सिखाना और हमेशा एक सपोर्ट रखने का काम किया है दर्शन करे सर ने ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी पूरी वी स्मार्ट की टीम को और वी स्मार्ट के सभी को फैकल्टीज को जो साथ में बने रहे और स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा विशाल सर एंड दर्शन सर को इसके अलावा जर्नी आगे बढ़ी जब यह जर्नी सिर्फ पुणे पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र महाराष्ट्र से लेकर के आज जब यह इंडिया नेपाल और दुबई तक के पहुंच गई है तो आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूं इसके बाद एक जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक जर्नी में आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला पल्लवी के पेरेंट्स का मेरे पेरेंट्स का मेरे भाइयों का और जाहिर सी बात है जब आप कोई भी वार में निकलते हो तो परी वार आपके साथ है तो आप कोई भी वार को जीत सकते हैं तो मेरा परिवार भी मेरे साथ हो गया अब इन सभी के सपोर्ट के साथ मैं अपने सारे दोस्तों को जरूर याद करना चाहूंगा जिन्होंने जलगांव से लेकर के यहां तक की जर्नी को पूरा किया और आज भी मेरे साथ बने हुए हैं राइट जिसके अंदर में मेरे सारे पार्टनर्स भी आते हैं जो मेरे साथ मेरे फॉर्म में एसोसिएटेड है बहरहाल जब जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया आगे बढ़े तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए कुछ नया लाया जाए बच्चों को कुछ नई चीज दी जाए तो आज मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूं वी लर्न क्लासेस डॉट कॉम जी हां वी लर्न क्लासेस डॉट कॉम जहां पर आपको मेरे तो पूरे के पूरे क्लासेस मिलेंगे ही मिलेंगे साथ साथ में कुछ बेहतरीन क्लासेस मिलेंगे बेहतरीन सर्विसेस के साथ अब आप यह पूछना चाहेंगे कि वैसे ही इतनी सारी वेबसाइट है एक वेबसाइट और आ जाएगी तो क्या नया होने वाला है तो मैं आपसे बस इतना ही कह दूं आज सारे राज मैं आज नहीं खोलना चाहता अब बस वीलर्न क्लासेस डॉट कॉम जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा यहां देख लीजिएगा और इस राइट के साथ बने रहिएगा आपको इसमें कई चीजें मिलने वाली है कुछ यूनिक चीजें आने वाली है खैर मैं तारीफ करूं तो इतना क्या मतलब आएगा जब आप तारीफ करें तो सच्ची बात बनेगी ये कारवा बढ़ता गया और मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला इंटर और फाइनल लेवल पे बच्चों का ना ही कि सिर्फ सीए में सीएमए में भी ये क्राउड ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया इस सपोर्ट और प्यार के साथ आज मैं आप सभी के सामने वी लर्न क्लासेस डॉट कॉम रखने वाला हूं वी लर्न क्लासेस डॉट कॉम आप सभी को डेडिकेटेड है मेरे सपने को डेडिकेटेड है और हाँ मेरे उस सपने को डेडिकेटेड है जो हमेशा मुझे ये बोलता है पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो सपने के साथ मैं यहां आया हूं और वी लर्न क्लासेस मैं लॉन्च कर रहा हूं मेरे सभी क्लासेस पेन ड्राइव गूगल ड्राइव क्लासेस आपको वी लर्न से मिल जाएंगे जिसमें आपको बेस्ट सर्विस की गारंटी मैं प्रोवाइड करता हूं मेरे साथ साथ ऐसे अनकन्वेंशनल टीचर्स रहेंगे यहां पर जो आपको सर्विस ओरिएंटेड और टीचिंग ओरिएंटेड और कंटेंट ओरिएंटेड के साथ प्रोवाइड करें एक बेस्ट लर्निंग अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं मेरे क्लासेस जितने वेबसाइट्स पे पहले थे जितने सेंटर्स पे पहले थे उन सभी सेंटर्स पे रहेंगे साथ साथ में बस अपनी कुछ यू नो इच्छाओं को पूरा करना एक एंट्रप्रनोरशिप को कहीं ना कहीं अपने अंदर से लेकर के आना उसके लिए वी लर्न क्लासेस लेके आए जाहिर सी बात है आपको जानने की इच्छा होगी आखिर ये वी लर्न ही क्यों इस बारे में आपको एक व्यक्ति को बताना होगा यह व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने मुझे उस समय चुना जिस समय में कुछ नहीं था मेरी बात को ध्यान से सुनिए आज अगर आप विजय सारडा को खड़ा देख पाते हैं या विजय सारडा को हंसता हुआ देख पाते हैं तो उसके पीछे एक व्यक्ति है ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है यह व्यक्ति वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे उस टाइम सिलेक्ट किया जिस टाइम पे शायद मेरे परिवार का साथ भी मेरे साथ नहीं था और यह वो व्यक्ति है जो आज हर तरह के, के रिस्क मेरे साथ लेता है जब मैंने यह डिसीजन लिया कि क्या हमें यह करना है जब मैंने ये डिसीजन लिया कि क्या हमें ये करना है तो बस उस व्यक्ति ने एक ही बात कही यार शुरुआत तो हमने तब की थी जब हम कुछ नहीं थे आज कुछ तो है और बस ये लाइन से मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये चीज तो है मैं आप सभी के सामने वी लर्न के ओरिजिनल ओनर को लेकर के आने वाला हूं एंड शी इज सी ए पल्लवी सारडा नाम आई सो so, आप सभी के सामने मेरी धर्म वाली पत्नी ये यहाँ पे अवेलेबल है और इस पूरे कंसेप्ट को और जर्नी को ये बताएंगी सॉरी हेलो टू ऑल सबसे पहले तो मैं पल्लवी सारडा अपनी तरफ से विजय सर की तरफ से और हमारी पूरी वी लर्न की टीम की तरफ से आप सभी का इस नए सफ़र में वेलकम भी करती हूँ और आप सभी को दिल से थैंक यू भी बोलती हूँ यहाँ तक के हमको पहुँचाने के लिए विजय सर को जो जो बच्चे जानते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में हर एक बच्चा जानता है और वही स्ट्रगल जिसको आप सुनते हैं उसको मैंने अपनी आँखों आँखों से देखा है कुछ नहीं होने से लेकर के यहाँ तक का सफ़र हमने साथ में मिल तय किया है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे बहुत सी आ, अच्छी चीज़ें देखी बहुत सी बुरी चीज़ें भी देखी बट उन सब में एक चीज़ थी कि नहीं यार करके तो दिखाना है चलो देख लेंगे जो होगा वो होगा आगे सब मैनेज हो जाएगा बस इसी थॉट के साथ हमने ये नया वेंचर भी शुरू किया है और उम्मीद है कि जैसा अब तक के आप सबसे प्यार और सपोर्ट मिला है आगे भी मिलेगा वीलन ही क्यों वीलन सर ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल चुके हैं वैसे बट जब हम सोच रहे थे कि क्या नाम देना अपने इस नए सपने को तब हमने सोचा कि यार हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं अभी तक के ज़िंदगी में इस सफ़र में रोज़ कुछ नया सीखते आए हैं आज भी जब ये वेंचर चालू करने जा रहे हैं तब हर दिन एक नई सीख लेके आता है इस वेंचर से हर एक बच्चा भी कुछ नया सीखेगा तो क्यों ना आई लर्न यू लर्न यू लर्न सो वी लर्न बस इसी थॉट के साथ वी लर्न चालू किया है आ, बिल्कुल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साइट पे विजिट कीजिए और अपने फीडबैक्स भी दीजिए कमियाँ भी बताइए खूबियां भी बताइए और बस अपना साथ बनाए रखिए थैंक यू सो मच चलिए अब मैं आपको एक और चीज बता दूं इस पूरे सफर के अंदर में इस पूरे सफर के अंदर में मेरी टीम वी लर्न की पूरी की पूरी टीम ने मैंने बहुत साथ दिया इस टीम की पूरी की पूरी मैनेजमेंट से लेकर के कुछ ग्यारह लोग हम लोग सब जुड़े ग्यारह लोग जुड़े और इन ग्यारह लोगों ने ईमानदारी से बताता हूं अपना टू हंड्रेड परसेंट या हंड्रेड परसेंट नहीं आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरे सपनों के साथ साथ शायद उनका सपना भी बन गया एंड मैं एक चीज़ का तो आप सभी को गारंटी देता हूं कि ये जितना मेरा सपना है ये मेरी टीम का सपना है उतना ही सपना आपके लिए भी बड़ा होगा यस लेट्स मेक समथिंग वेरी बिग वेरी एनर्जेटिक जहां पे हम एक दूसरे के लिए लर्न कर पाएं एक दूसरे से कुछ सीख पाएं और एक दूसरे को कुछ नया सिखा पाएं हमेशा और इसके आगे भी वी लर्न क्लासेस आपके सामने पेश करने जा रहा हूं इस पूरे वी लर्न क्लासेस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुझे खुद को बहुत बहुत बधाई यस yes. एक बात मैं आप सभी से कह दूं ये जो लेक्चर्स है इसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स रहेंगे बेस्ट सर्विसेस और बेस्ट सपोर्ट टीम के साथ मैं इस चीज को लॉन्च करने जा रहा हूं सो so, इसके आगे कि एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका साथ हमेशा मुझे लगेगा और हां मैं आपके साथ हमेशा बना हुआ रहूंगा सो मालिक थैंक यू सो मच देखिए इसके आगे की कुछ चीजें सो मालिक एज अ लॉन्च ऑफर चार दिन जी हाँ अगले चार दिन वी लर्न क्लासेस की तरफ से विजय सार्डा के हर प्रोडक्ट के ऊपर जो वेबसाइट पे लिस्टेड है आपको स्ट्रेट वन थाउजेंड का डिस्काउंट मिल रहा है और इसके लिए आपको सिर्फ एक डिस्काउंट कूपन लगाना है वी लर्न वन थाउजेंड जी हां वी लर्न वन थाउजेंड डालिए और मेरे जितने भी प्रोडक्ट है अगले चार दिन रेगुलर फास्ट ट्रैक इन सभी के ऊपर जो वेबसाइट पे लिस्टेड है आपको पूरा का पूरा वन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है यह डिस्काउंट आपको सिर्फ वेबसाइट से ही नहीं, नहीं आपको हमारे जितने चैनल पार्टनर्स हैं नॉलेज पार्टनर्स हैं सेंटर्स हैं सभी जगह से मिल जाएगा बाकी कुछ कहना हो कुछ बात करनी हो थैंक यू करना हो या फिर इसे रिपोस्ट करना हो तो आप नीचे लिए हुए लिंक या इंस्टाग्राम पर मेरे से मिल सकते हैं थैंक यू सो मच और हां एक बात याद रखना पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो